और इनका गठबंधन भी जो है ना लूट और झूठ का है और कोई मायने नहीं है, कोई नीतिगत आधार पर गठबंधन नहीं बनाएंगे। सत्य प्रसाद ये बताओ कितने लगे, सुप्रीम हाईकोर्ट ने तो अब रोक लगाई होगी ना, तो अब कितने उसमें लगे, बल्कि बेरोजगारी तुम्हें नंबर एक हो गया। ये तो आपने जेब मिटाने के लिए ऐसी बात करते हैं। HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब उनको वो तो प्रीमियम तो पूरा ले लिया, हर कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करा, 1300 करोड़ रुपए का उनके ऊपर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हुड्डा साहब अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, उसके बाद क्या लगता है हरियाणा पे कितना असर रहेगा? देखिए जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, राजस्थान का असर होता है और राजस्थान के साथ साथ जितना हरियाणा के साथ साथ जो राजस्थान का इलाका है वहाँ तो सब कांग्रेस भारी बहुमत में आई है, तो वो एक संकेत है कि हरियाणा में भी यही होने वाला है, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, सस्ता सिलेंडर देने का, या कहीं लगता है आपको मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी में फर्क नहीं? जो यह है हमने कह रखा, जितना सिलेंडर 500 रुपये का हम देंगे, हमारा वायदा है, लोग विश्वास करते हैं हमारे पर। अच्छा हुड्डा साहब, आप असर तो मानते हैं भाई, राजस्थान से जो सीमावर्ती एरिया है और उसने असर बता दिया कि हरियाणा में क्या होने वाला है, लोग भी मानते हैं कि कुछ बदलाव शायद हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है हरियाणा में अभी तक जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मानते तो हाँ शक्ति है, लेकिन ये सोचते कि हुड्डा साहब की टांग खींच लेंगे पीछे से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी एक है, मजबूत है और लोग मन बना चुके हैं, लोगों ने तो 19 में ही बना लिया था मन, और अब भी है ना बिल्कुल, लोग इससे हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है, क्यों ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और इनका गठबंधन भी जो है ना लूट और झूठ का है और कोई मायने नहीं है, कोई नीतिगत आधार पर गठबंधन नहीं बना इनका। एक कह रहा था कि 75 पार करेंगे, दूसरा कह रहा था इनको यमुना पार करो, स्वार्थ में दोनों यार बन गए, कोई जनहित में थोड़ा ही है। जनता चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, बैकवर्ड कास्ट से है, दलित है, या शहरी है, ग्रामीण है, कोई भी है, सब इस सरकार से, मौजूदा सरकार से विमुख हो चुके हैं, क्योंकि कोई कहीं है ही नहीं, 9 साल हो गए उनके, कोई अचीवमेंट है ही नहीं, कोई है ही नहीं भाई इन्होंने ये काम किया हो किसी भी वर्ग के लिए, सिवाय कर्जा बढ़ाने के और कोई इस प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा बीजेपी जेजेपी दोनों की बात करते हैं, जेजेपी ने तो कहा था 75% जो रोजगार वाला था, अभी सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ की तो लटक गई तलवार, और दूसरा खट्टर साहब कह रहे थे बिना खर्ची पर्ची लगाए हैं। देखिए आपको पता है ये एक ढकोसला था, 75% ये बताओ कितने लगे, सुप्रीम हाईकोर्ट ने तो अब रोक लगाई होगी ना, तो अब कितने उसमें लगे, बल्कि बेरोजगारी तुम्हें नंबर एक हो गया प्रदेश, और जो दो मिसाइल का 15 साल से करके 5 साल कर दिया तो बेमायने हो गया, तो ये चाणा की थी। और जहाँ तक आपने कहा जैसे खट्टर साहब की, वो तो इनकी पोल खुल गई, ये तो आपने जेब मिटाने के लिए ऐसी बात करते हैं। HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, ये कौशल रोजगार उसमें वो पकड़ा गया कितने, उससे सबॉर्डिनेट सर्विस में क्या हुआ, मतलब इन्होंने तो नौकरियाँ परचून की दुकान में जैसे बिकी हैं ऐसे बेची हैं। मुड़ा साहब क्या लगता है, आप का जब कार्यकाल था तो कहते थे नंबर वन हरियाणा, आज किस तरह से देखते हैं और आपकी हरियाणा को लेके क्या गारंटी रहेगी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, 2014 में कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ये सब आके हुए आंकड़े हैं, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर एक था, आज नंबर एक किस चीज़ में है, मेरा आंकड़ा थोड़ी है। आप देखो बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में नंबर एक है, और अपराध में ऊपरले 2-3 प्रदेशों से मतलब लग रहा है, इतना अपराध बढ़ रहा है, काम कुछ है नहीं, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो इसी वास्ते सारे वर्ग ने, अब एक क्लस्टर है 7 जिलों का, जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब उनको वो तो प्रीमियम तो पूरा ले लिया, हर कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करा, 1300 करोड़ रुपए का उनके ऊपर, बहुत अमाउंट है। अरे ये मतलब कंपनसेशन देते नहीं, MSP की बात करते हैं, हम इतनी फसलों को देते हैं, कभी MSP मिलता नहीं, तो आप देखते हैं हर वर्ग परेशान है इनसे।
आपकी क्या गारंटी है हरियाणा को लेकर? हमारे देखें जो हमारे कार्यकाल देखो, सबको MSP मिलती थी, समय पर पेमेंट मिलती थी, नौकरियों में पूरी मिलती थी। अब के दो लाख तो नौकरियां खाली हैं यहाँ की, हमारी सरकारी नौकरियां। ये रोजगार वो चला रखा है उसमें, ना तो पक्का होता आदमी, ना पेंशन है। इसी तरह अग्निपथ चला दिया, ना उसकी पक्की नौकरी है ना पेंशन है। तो मतलब हरियाणा में उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। एक लास्ट सवाल, बीजेपी ने भी अपनी वो विकसित यात्रा शुरू करी है, किस तरह से देखते हो उस चीज़ को? हरियाणा में क्या दिखाएंगे कि हम बेरोजगारी में नंबर एक हैं, महंगाई में नंबर एक हैं, कानून व्यवस्था ठस हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं है, ये है इनकी। तो मतलब विकसित यात्रा फेल रहे है ही फेल, सरकार ही फेल है, तो यात्रा कहाँ से कामयाब होगी? ठीक है, थैंक यू ज़्यादा।